महाराष्ट्र के राज्य धोबी परेड समाज महासंघ सर्वभाषी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन मेधावी छात्रों का और समाज के नव निर्वाचित लोक प्रतिनिधि एवं कोरोना योद्धा का सत्कार समारंभ का कार्यक्रम कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में लिया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और परेड समाज के हजारों लोग मौजूद थे। पेश है भट्ट सभागृह से हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य धोबी परेड समाज महासंघ सर्वभाषिक की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन गुणवंत विद्यार्थी व सामाजिक नव निर्वाचित लोक प्रतिनिधि व कोरोना योद्धा का सत्कार समारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया गया। धोबी समाज को आज तक न्याय नहीं मिला है। धोबी समाज के विद्यार्थी हो या फिर युवा लोग, इन्हें रोजगार के अवसर भी नहीं मिल रहे हैं। श्री संत गाडगे महाराज के तत्वों का पालन करने वाले परेड समाज आज भी कई सरकारी योजना से वंचित हैं। इस समाज के अध्यक्ष डीडी सोनटक के लगातार मंत्रालय जाकर ज्ञापन देकर मंत्रियों से मिलकर समस्त धोबी समाज को न्याय देने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के कई महानुभाव का नितिन गडकरी और चंद्रशेखर बावनकुले के हाथों सत्कार किया गया, तो वहीं नितिन गडकरी के हाथों पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का सत्कार किया गया। इस मौके पर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हम सब जरूर परेड समाज को न्याय देंगे। कोरोनाच्या संक्रमणात ज्यांनी आपला जीव धोक्यात टाकून समाजाची सेवा केली त्यांचा सत्कार झाला। जे विद्यार्थी प्रावीण्य प्राप्त झाले त्यांचा सत्कार झाला। आणि या व्यासपीठावरही अनेक मान्यवर पटले, माननीय आमदार आहेत, माननीय आपले ज्येष्ठ नेते आहेत, ज्यांनी समाजाकरता देशभर काम केलं ते या ठिकाणी बसलेले आहेत। त्यांनी आपल्या जीवनात खूप मोठं काम केलं आहे। सर्वांना आपण बोलू शकत नाही, कारण कुणी कुणी समाजाकरता काही ना काही काम केलं आहे। या ठिकाणी बसलेला प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नागरिक हा समाजाकरता काही ना काही योगदान देऊन या ठिकाणी आला आहे। मी एवढंच सांगेन की आज आपल्याकरता अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे की आज संपूर्ण देश आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातला धोबी परेड समाज या ठिकाणी आणि त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते प्रचंड उत्साहाने आणि प्रचंड आशा अपेक्षा घेऊन या कार्यक्रमाला आले आहेत। आपल्या राज्याच्या कानाकोपऱ्यात त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन हे लोक प्रबोधनाचं, प्रशिक्षणाचं, लोकसंस्काराचं कार्य निस्पृह निस्वार्थी भावनेने, समर्पित भावनेने काम करणारे अनेक संत काम करत आहेत। त्यापैकी सत्यपाल महाराज एक आहेत, हे मी तुम्हाला विश्वासाने सर्टिफाय करतो। मला अतिशय आनंद झाला त्यांचाही आज सत्कार झाला। त्यांना परमेश्वराने उदंड आयुष्य द्यावं, शक्ती द्यावी, निरोगी प्रकृती द्यावी आणि असंच समाजाचं मन प्रबोधन आणि प्रशिक्षण करण्याची शक्ती देऊन आयुष्याच्या शेवटपर्यंत समाजामध्ये गुणात्मक परिवर्तन करण्याकरता ते अखंड कार्य करण्याची ताकद शक्ती त्यांना मिळेल असा विश्वास व्यक्त करतो। आदरणीय न्यायमूर्ती किशोरजी सोनवणे हे खऱ्या अर्थाने समाजभूषण, आपल्या समाजामधून उच्च न्यायालयाचं न्यायमूर्ती होणं ही मोठी गोष्ट आहे आणि आपल्या आयुष्यामध्ये त्यांनी हे यश संपादन केलं याकरता निश्चितपणे त्यांचा गौरव तर समाजाने केलेला आहे। पण मी पुढे बोलणार आणि आता सोनटके साहेबांना सांगितलं की खऱ्या अर्थाने आपल्याला आता किशोरजी सोनवणे एक नाही असे 25 तयार केले पाहिजे तेव्हा खऱ्या अर्थाने समाज केला। तो वहीं इस कार्यक्रम के बारे में बीसीएन समक्ष जानकारी देते हुए लखनलाल रजक, इन्होंने समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तथा परेड समाज को सभी यंत्रणाओं में सरकारी लाभ मिलना चाहिए, ऐसी बात कही। हमारा ये है कि हमारी जो एससी की मांग है वो हम उसके बारे में इसकी ब्रीफिंग करना चाहते हैं। आधा हिंदुस्तान तो एससी में आ रहा, आधा हिंदुस्तान ओबीसी में आ रहा है, तो ये बड़ी विडंबना है। चूंकि हमारा धंधा एक है, राष्ट्र एक है, सारी चीज है। जब हमारा स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल पास होकर सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय में जाता है तो अधिकारिता मंत्रालय आरजीआई यानी भारत के महारजिस्ट्रार के लिए भेजता है। भारत का महारजिस्ट्रार कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आप पढ़े लिखे अच्छे हैं, तो वो दोनों में हमारी जो 50 साल की समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। इस वजह से अभी जो गडकरी साहब आए थे, हम उनको भी बोले हैं कि दोनों की ये जो समस्या है, भारत के आरजीआई
भारत का महारजिस्ट्रार और सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, ये दोनों अफसरों को बिठाल के हमको सुना जाए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेना है, कौन सी कागज लेनी है, वो सारे चीज हमारे पास अवेलेबल है। हम वो चीज को पुट ऑफ करते हैं गवर्नमेंट के सामने और हमारी जो बच्चों की समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। मेरा नाम लखनलाल रजक है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ और एबीडीएम का महामंत्री भी हूँ। परेड समाज की ओर से लिए गए इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए परेड समाज के अध्यक्ष डीडी सोनटक के इन्होंने ये विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द धोबी समाज को न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य धोबी परेड समाज के सर्वे सर्वा इस समय में डीडी सोनटक्के जी है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भट सभागृह लिया गया इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सोनटक साहब, ये पता कि जिस तरह से आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी इस कार्यक्रम में आए, क्या आरक्षण को लेकर क्या बात कही, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? आज हमारे सर्वभाषिक महासंघ की तरफ से समाज सम्मेलन कोरोना योद्धा गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार मेधावी छात्र का किया है। इस बारे में नितिन जी गडकरी साहब ने हमारे समाज को पूरा सहयोग देने का यहाँ और सहयोग दिया है और देते रहेंगे, ऐसे हमारे नितिन जी गडकरी साहब आके हमारे को आशीर्वाद दिया। इसके बाद हम समाज के लिए BCN न्यूज़ ने सुद्धा हमारी एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था कि कौन सा क्या धंधा करते हैं, कैसे करते हैं, घाट घाट भी जाके धोबी समाज का इतिहास पूरा कैसा है, ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना के मैं BCN का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे समाज की मांगे ये ऐसी न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है ये पूरी करेंगी, ऐसी मैं ख्याति करता हूँ। और आप यहाँ आए सब समाज बांधव, इनका मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आप थे डीडी सोनटक के, जिन्होंने बखोरे विभाग के साथ बात करते हुए ये बताया कि नितिन गडकरी यहाँ पे आए थे, नितिन गडकरी ने जिस प्रकार से आरक्षण को लेके पूरी तरह से सहयोग करने की बात कही गई है, अब देखना ये होगा क्या परिड समाज को न्याय मिलता है या फिर ऐसे प्रोग्राम के जरिए फिर से आश्वासन मिलता रहेगा। बट सभागृह से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरा, BCN न्यूज नागपुर।